बहुत सारे लोग पूछ रहे थे प्लीज़ मैम आपकी इंस्टा आईडी बताओ, क्योंकि जिस दिन भी मैं कमेंट को ऑन कर देती हूँ ना उस दिन मेरे से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आते हैं कि आप अपनी इंस्टा आईडी बताइए। तो मैं आज मेंशन कर दूँगी इंस्टा आईडी, स्क्रीन पर ही मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरे लगभग लगभग जो फॉलोअर्स हो रहे हैं वो 30K के ऊपर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट भी नहीं डाली हैं बट अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और आप भी जाकर सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छी अच्छी रील्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और एक बात मैं आप सभी से कहती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे से कुछ क्वेश्चन करते रहते हैं, आप कहाँ से हैं, आपका ससुराल कहाँ है, आपका मायका कहाँ है, आप कैसे फैमिली में रहते हैं, आप प्रॉपर गुड़गांव से हैं या गाँव से हैं। तो इसके ऊपर मैं एक Q&A वीडियो बनाऊंगी, मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से Q&A वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है मेरे फैमिली से रिलेटेड और मेरे से रिलेटेड, अदरवाइज बकवास वाले क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली, अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। अगर आप मेरे बारे में और मेरे फैमिली के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप भी मेरी फैमिली हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर दूँगी। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ लेना, उनके आंसर एक वीडियो के रूप में आपको मिल जाएंगे। तो बस अभी जो भी वीडियो बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोपहर के बजे में दो अभी मेरा नाना धोना ख़त्म हुआ था, 11 बजे के करीबन हो गया था, थोड़ी देर बैठी थी और आज बैठे बैठे कुछ मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा दिन है। बट आप लोग कहेंगे फिर इतना सज धज के क्यों बैठी हो, मैं कोई सज धज के नहीं बैठी, सिंपली थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, जो पीछे रहते हैं उनके लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो आज है 23 अप्रैल और आज से ठीक एक साल पहले हमने इतना सब कुछ खोया था अपनी लाइफ का, एक लाइफ का ऐसा हिस्सा जो शायद उस चीज़ की कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। और सामने मम्मी की फ़ोटो लगी हुई है, इसको देखते हैं ना तो सच में आँखों में आंसू रुकते नहीं। और मैं अकेली रहती हूँ घर पर, सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, तो कई बार मन में कुछ ऐसे ख्याल आ जाते हैं ना, आंसू रुकते नहीं। लेकिन हर किसी के सामने ना तो हम रो सकते हैं, रोना भी नहीं चाहिए। देखो जो लोग चले जाते हैं ना उनके लिए ज़्यादा रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती ऐसा माना जाता है। बट क्या करें, जिनके साथ इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है ना, उस रिश्ते को भुलाना भी इतना मतलब संभव नहीं होता। लोग कह देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, मैं भी सोच लेती हूँ कई बार ये नहीं करना चाहिए, बट कई बार वो चीज़ें याद आ जाती हैं, उनके साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं ना, रियली में कभी भी नहीं भूल सकते उन चीज़ों को। तो 23 अप्रैल हमारे लिए एक सबसे ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन, मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। उससे पहले मैंने अपने पापा को खोया है, बट उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था छोटे थे पता नहीं क्यों। मम्मी के साथ इतना अच्छा रिश्ता था हमारा, सच में किसी भी सास बहू का रिश्ता नहीं होता होगा ऐसा। और मैं तो हर जन्म में ऐसी सास मांगती हूँ, सच में पता नहीं हमने कौन से पुण्य किए थे जो इतना अच्छा फैमिली मिला है हमें, सच में बहुत अच्छा फैमिली मिला है। सास ही नहीं ससुर भी बहुत अच्छे थे हमारे, एज ए पापा एज ए मम्मी हमें इतना प्यार दिया। लोग कहते हैं ना जिनके बेटी नहीं होती उन्हें क्या पता बेटियों को कैसे रखा जाता है, मेरे ननद नहीं है, मेरे रियल ननद नहीं है, फिर भी इन्होंने हमें बेटी से बढ़कर प्यार दिया। और इन्होंने हमें बेटी से बढ़कर प्यार दिया तो हमने भी इन्हें माँ की तरह ही मतलब प्यार दिया। कभी भी 8 साल मेरी शादी को हो गए थे, मम्मी गई थी तब 8 साल पूरे हो गए थे और दीदी को 13 साल पूरे हो गए थे, बट हमारी कभी भी मतलब वो होती है ना सास बहू वाली नोकझोंक कभी नहीं हुई। बातों में कुछ कह देना उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, बड़े थे कभी कभार हो जाता है जब माइंड एज होती है तो कभी
छोटी मोटी बातें कह देते हैं, उन चीजों को कह दे, उल्टा जवाब कभी नहीं दिया, कभी भी। बहुत अच्छे थे, बट क्या करे, भगवान को शायद मंजूर नहीं था। और ये सिलसिला यहाँ भी रुक जाता तो कहीं ना कहीं हम चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, चलो मम्मी गई है, पापा बचे हुए हैं अभी। कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था, मम्मी गई थी उस टाइम पर, देखो कोरोना था, बहुत तेज़ी से फैला हुआ था देश में कोरोना, अच्छे अच्छे लोग, जवान जवान लोगों की डेथ हो रही थी। मम्मी की तो एज 53 के करीबन थी, बट एज तो हुई नहीं थी, बट भगवान को जो मंजूर था। भगवान जब 16 16 18 18 साल के बच्चों को, जिनके अच्छे अच्छे घर उजड़ गए, इन्होंने तो अपने पोते पोती को खिलाया अपने हाथों से, इतना प्यार दिया, पोते पोतियों को इतना प्यार दिया, शायद ही कोई दादा दादी देते होंगे। आज भी तभी बच्चे याद करते हैं, अदरवाइज बेकार दादा दादी होते तो कौन याद करता उन्हें, कोई नहीं करता। बट भगवान को मंजूर था। फिर हमने सोचा चलो जो हो गया वो सो हो गया, अब आगे सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे। बट भगवान को फिर भी मंजूर नहीं हुआ, और 1 साल के भीतर ही भगवान ने पापा जी को, 1 साल भी हुए नहीं थे, करीबन बिल्कुल 10 महीने पूरे कंप्लीट हुए थे मम्मी को, उसी दिन पापा जी एक्सपायर हो गए। उस दिन तो मानो पूरा संसार उजड़ गया था हमारा, एक घर में 3 मौत और 1 10 महीनों के अंदर। पापा जी से 7 दिन पहले दादाजी एक्सपायर हुए थे। कभी किसी ने सोचा था कि दादाजी की एज थी उनकी एज, हाँ अभी आगे परेशान ना हो ज़्यादा, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो परेशानी होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दादाजी परेशान तो नहीं थे, पर एज के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा, मतलब 1 मंथ से वो थोड़ा तकलीफ में रहने लग गए थे, तो भगवान उनको सही टाइम पर उठा लिया था। सब खुश थे, हाँ सही एज पर गए हैं, अच्छे से उनका कुछ कर देंगे, कुछ धर्म पुण्य कर देंगे। बुजुर्ग लोग जाते हैं तो करते हैं, हमारे हरियाणा में धर्म पुण्य करते हैं, खाना पीना बनाते हैं। बट भगवान को वो भी मंजूर नहीं था, और जिस दिन दादाजी की 13वीं मनाते हैं उसी दिन पापा जी एक्सपायर हो गए थे। यानी कि हमें 13वीं भी बहुत जल्दी बनानी पड़ी थी, क्योंकि मेरे मामा जी के यहाँ पर शादी थी, जिसकी वजह से 7 दिन के अंदर ही वो दिन वगैरह कर दिए थे। उसी दिन पापा जी एक्सपायर हो गए सुबह सुबह ही। उस दिन तो मानो हमारा पूरा संसार उजड़ गया था। एक दिन के लिए कहते हैं ना, फिर भगवान से भी विश्वास छूट गया था, हम नहीं पूजेंगे भगवान को, भगवान ने हमारे साथ ऐसा पूरा क्यों किया, क्या इसी परिवार में सब कुछ है, क्या इसी यही परिवार। और फिर लोग सांत्वना देते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान उठाते हैं, अच्छे लोगों को भगवान उठाते हैं। खैर सही बात है, अच्छे लोगों को ही भगवान लेते हैं। मेरे सास ससुर यूं नहीं कि हमारे लिए अच्छे थे, वो हर रिश्तों के लिए अच्छे थे। उन्होंने जितने भी उनके रिश्ते थे उनको इतना बेखूबी निभाया है, इतना बेखूबी निभाया, शायद ही कोई निभा पाता होगा। हालांकि मेरे हस्बैंड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा निभाते, बट उनसे अच्छा नहीं कर पाते, ना ही हम हैं उन जैसे और ना ही वो हैं उन जैसे, उनकी तो माया ही अलग थी कह सकते हैं। सच में इतने अच्छे थे, इसी वजह से भगवान ने, और क्या पता भगवान को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं तभी उठाते हैं, शायद भगवान उनको आगे मतलब बर्दाश्त, बुढ़ापा नहीं आने दे रहे थे, शायद ये बच्चों को परेशान करेंगे, आगे दुखी करेंगे तो हर किसी के लिए परेशानी हो जाएंगी, तो उन्होंने किसी प्रकार का दुख नहीं देखा अपनी लाइफ में। ये बात है, वैसे दुख नहीं देखे जैसे देखते हैं बुढ़ापे में, जवान जवान बेटे मर जाते हैं, भौवे मर जाती हैं, पोते पोती देवती जवाई कुछ भी, मतलब इस तरह का नहीं देखा। लाइफ में अच्छे से सुकून से जी, लाइफ को शांति से जिया। उसके बाद मेरी सास ने तो सारी तीर्थ यात्राएं वगैरह भी सब कुछ कर लिए थी, क्योंकि उनको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था। बट भगवान थोड़े से दिन और, मतलब ऐसे तो आत्मा कभी किसी की नहीं फटती, बहुत बुरा हुआ था हमारे साथ, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों पर निकलना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। अदरवाइज जिस दिन ये काम हुआ था, जिस दिन पापा जी गए थे, उस दिन तो ऐसा था कि जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अभी तो क्या भगवान क्या से क्या कर देते, सुबह तक बिल्कुल ठीक बैठे थे और महज 20 मिनट के अंदर पापा जी को सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया पापा जी को, पता भी नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डॉक्टर के तक भी नहीं पहुँच पाई। लाइफ उस दिन
भगवान से और लाइफ से बिल्कुल ऐसा हो गया था कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता कब हम चले जाएंगे, क्या पता, क्या उन्होंने सोचा था कभी मेरी इस तरह से डेथ हो जाएगी। सुबह तक खुश थे अपने पापा जी के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, हलवाई वगैरह भी लगवा रखे थे, खाना दाना होता सबका, सब नहा लिए थे हवन के लिए, बट अचानक से सब कुछ 20 मिनट के अंदर जहाँ हवन होना था वहाँ पर अर्थी उठ रही है। लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है, मैं कहती हूँ भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मैं आज मम्मी को पूरे 12 महीने हो गए हैं। हमने सोचा था चलो मम्मी की एज नहीं थी, बट हम जैसे ही 12 महीने होंगे कुछ दान पुण्य जैसे वृद्धाश्रम में या बुर्जगाश्रम में या अनाथ आश्रम में दान पुण्य करके आएंगे। कहते हैं ना कि गए हुए लोगों के लिए आप कुछ करें, मतलब उनको आत्मा को शांति मिलती है। उनकी उम्र भले ही नहीं थी बट वो क्या लेकर गए, सब कुछ यहीं तो छोड़ के गए थे। लेकिन अभी पापा जी को फिर 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, 25 तारीख को होंगे 2 महीने, इसी वजह से कुछ हमने नहीं किया। भगवान आगे फिर यही करते हैं कि आगे सबको ठीक रखे और ऐसा किसी के साथ ना करे। सच में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी क्या क्या हुआ था हमारे साथ, कैसे कैसे इस लाइफ से हम गुजरे हैं और कितने बड़े बड़े कष्ट हम पर आए हैं।